आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिस्किट बनाने की रेसिपी। और इन बिस्किट को हम बिना माइक्रोवेव बिना ओवन के डायरेक्ट गैस पर बनाकर तैयार करेंगे। ये बिस्किट मार्केट से बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ही क्रंची होते हैं। अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो आप इसे काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज के बिस्किट बनाने की रेसिपी। बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट करने के लिए आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर यह कटोरी ली है। इस कटोरी से मैं सभी चीज़ों का मेजरमेंट करूँगी। तो सबसे पहले हम एक कटोरी भरकर इसमें मैदा ले लेंगे। आप चाहें तो इसमें मैदा की जगह आटा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप बिस्किट को थोड़ा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मैदा। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आधा कप जितना बेसन, 2 बड़े चम्मच जितनी सूजी। सूजी से हमारे जो बिस्किट हैं वो हल्के क्रंची लगते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। साथ ही डालेंगे हम आधा कप जितनी चीनी, जिसे मैंने पीस कर इसका पाउडर बना लिया है इसीलिए थोड़ी ज़्यादा लग रही है। अभी हम इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से छान लेंगे, जिससे इसमें कुछ भी होगा वो ऊपर छन्नी में रह जाएगा। और चीनी को पीसते समय अगर उसमें 1-2 दाने रह गए होंगे तो वो भी इसमें ऊपर रह जाएंगे। तो यहाँ मैंने सभी चीज़ों को छान लिया है। छानने से सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर, साथ ही डालेंगे 1/4 चम्मच जितना नमक। नमक हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बिस्किट अगर ज़्यादा मीठे होंगे तो आप इसे ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। तो नमक डालने से हल्का नमकीन टेस्ट आएगा, जिससे बिस्किट और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर घी। तो मैंने यहाँ पर ये 1/2 कप घी लिया है। और घी को हमें इसमें एक साथ नहीं डालना है, स्टार्टिंग में हम थोड़ा घी डालेंगे और इसे एक बार मिक्स करेंगे। बाकी बाद में हम अपनी ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा घी इसमें डालेंगे। अभी हम इसमें जो घी डाल रहे हैं वो ना तो ज़्यादा जमा हुआ होना चाहिए और ना ही आपको गर्म करके लेना है। घी एकदम रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा घी इसमें डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। हम इसमें घी थोड़ा थोड़ा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अगर इनकेस इसमें थोड़ा भी घी ज़्यादा हो गया तो आपके जो बिस्किट हैं वो अच्छे से फूलेंगे नहीं। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके घी डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे। याद रखें, इसका आटा लगाते समय आपको इसमें पानी या दूध का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका आटा हम घी से ही लगाएंगे। तो यहाँ मैंने पूरा घी इसमें डाल लिया है। अभी हम दोनों हाथों की सहायता से इसे अच्छे से मलेंगे तो घी जो है वो हाथों की गर्मी से हल्का हल्का मेल्ट होने लगेगा और इस तरीके का एकदम आटे की फॉर्म में आ जाएगा। बस इससे ज़्यादा घी हमें इसे नहीं चाहिए। अब हम इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और हाथों से इस तरीके से दबाएंगे। इसे दबाने से क्या होगा, हम बिस्किट की शेप अच्छे से दे पाएंगे। उसके बाद हम इसकी गोल गोल लोई बनाकर तैयार करेंगे, जिस तरीके से हम आटे की लोई बनाते हैं। हल्का सा इस तरीके से प्रेस करेंगे। अब आप चाहें तो इस तरीके से सिंपल बिस्किट रख सकते हैं, अदरवाइज एक चाकू से इस तरीके से डिज़ाइन बना लें, जिस तरीके की डिज़ाइन हम नान कटाई में बनाते हैं या फिर जो भी आपको कोई और पसंद हो। इसमें थोड़ी सी हम मेवा लगा देंगे, जो भी आप खाना पसंद करें वो मेवा आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ हमारा एक बिस्किट बनकर तैयार हो चुका है। इस बिस्किट को हम उस प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें हमें इसे बेक करना है। तो यहाँ एक बिस्किट तैयार है, हम इसे इसमें रख देंगे। तो ये मैंने बिस्किट थोड़ा मोटे साइज़ का बनाया है। वहीं अगर आप बिस्किट थोड़ा पतला बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, सेम उसी तरीके से आप लोई बनाइए। बस बिस्किट को हल्का हाथों से ज़्यादा दबा दीजिए, उससे क्या होगा बिस्किट जो है वो आपका पतला बनेगा और इसे सिकने में भी टाइम थोड़ा कम लगेगा। तो बस इसी तरीके से चाकू से डिज़ाइन बना लेंगे हल्की सी। आप अपनी इच्छा अनुसार आपको जो भी बिस्किट में डिज़ाइन पसंद है वो आप इसे बना सकते हैं। तो हल्के से कटे हुए मेवा लगा देंगे इस पर हम। बहुत ही सिंपल है इस बिस्किट को बनाना और बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इस तरीके से बनाएं गोल, अदरवाइज आप चाहें तो इसे चौकोर शेप में भी बना सकते हैं। चौकोर भी ये बिस्किट बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। बाकी शेप का डिफरेंस है, टेस्ट तो दोनों का सेम ही रहेगा, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। ये जो बिस्किट हैं वो थोड़े मोटे खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरीके से थोड़ा मोटा मोटा बिस्किट बनाएं, जिससे ये आपको सॉफ्ट भी लगेगा और बहुत ही क्रिस्पी भी लगेगा खाने में। तो मैं एक बिस्किट आपको मोटा बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे बिस्किट बनाकर तैयार कर लिए हैं।
इन बिस्किट को आपको प्लेट में थोड़ी दूरी पर रखना है क्योंकि अभी ये बिस्किट फूलेंगे। हमने इस बिस्किट में कोई भी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं डाला है, बट घी की वजह से ही ये बिस्किट बहुत ही अच्छे से फूलते हैं। तो अब हम इन बिस्किट को बेक करने के लिए रखेंगे। बिस्किट को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर ये बाटी का तंदूर यूज़ किया है। तंदूर को मैंने 5 मिनट के लिए पहले ढककर गर्म कर लिया था। तो अभी हमने जो बिस्किट बनाकर तैयार किए हैं उस बिस्किट की प्लेट को इसके ऊपर रख देंगे और गैस की फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे, जितनी धीमी आप आँच रख सकें गैस की, और इसे धीमी धीमी आँच पर 20 मिनट के लिए पकने देंगे। तब तक यहाँ मैंने दूसरा बैच तैयार कर लिया है इस बिस्किट का, इसे हम माइक्रोवेव में बेक करेंगे। तो यहाँ मैंने माइक्रोवेव को 180 डिग्री पर कन्वेक्शन मोड में लगाकर प्रीहीट कर लिया है 5 मिनट के लिए। अब प्रीहीटेड माइक्रोवेव में हमने जो बिस्किट तैयार किए थे उसे रख देंगे और 10 मिनट का टाइमर सेट कर देंगे। अगर आप थोड़े पतले बिस्किट बना रहे हैं तो आप इसे बीच में 7 से 8 मिनट के बाद एक बार चेक कर लें। तो जब तक हमारे ये बिस्किट पक रहे हैं तब तक हम अपने तंदूर वाले बिस्किट को चेक कर लेते हैं। तो इन बिस्किट को पकते हुए पूरे 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं 20 मिनट के बाद बिस्किट काफ़ी फूल गए हैं और फूल कर मोटे मोटे हो गए हैं और काफ़ी पास भी आ गए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम इन बिस्किट को तंदूर से निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। बिस्किट को आपको गर्म गर्म टच नहीं करना है क्योंकि अभी ये सॉफ्ट है, तो इसे ठंडा होने देंगे। तब तक हम माइक्रोवेव वाले बिस्किट को भी चेक कर लेते हैं। तो इसे पकते हुए भी पूरे 10 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ मैं माइक्रोवेव को भी बंद कर दूंगी और इन बिस्किट को भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये मैंने माइक्रोवेव और विदाउट माइक्रोवेव दोनों तरीके से आपको बिस्किट बनाकर दिखाए हैं। आपको जो भी दोनों में से ईजी लगे आप उस तरीके को फॉलो कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको वो बिस्किट निकाल कर दिखाऊंगी जिसे हमने बिना माइक्रोवेव के बनाकर तैयार किया था। इन बिस्किट को बेक करते समय मैंने प्लेट में कोई भी ऑयल या बटर ग्रीस नहीं किया था। बहुत ही ईजिली बिस्किट जो है वो प्लेट से बाहर आ जाते हैं। अभी आपको दिखाती हूँ मैं, ये बहुत ही परफेक्टली सिके हैं, आप देख सकते हैं पीछे से हल्का डार्क कलर आया है और ऊपर से बहुत ही लाइट है, और ये अंदर से बहुत ही अच्छे से सिके हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बिना माइक्रोवेव के बनाया है तो बिस्किट कच्चे हैं, अदरवाइज खाने में टेस्टी नहीं है। यकीन माने दोनों का टेस्ट एकदम सेम लगता है, बस माइक्रोवेव से जो बिस्किट सिकते हैं वो थोड़े लाइट होते हैं और ये ऊपर और नीचे दोनों साइड से एक तरीके से सिकते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव में जो हीट है वो सभी साइड से लगती है, इसीलिए पीछे से भी थोड़े लाइट है और ऊपर से भी। बाकी टेस्ट दोनों का एकदम सेम है। मैं आपको इस बिस्किट को भी तोड़कर दिखाती हूँ। अभी ये गर्म है इसीलिए हल्के सॉफ्ट लग रहे हैं, अदरवाइज ये दोनों ही बिस्किट बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। अब आप दोनों तरीकों में से जो भी पसंद आए उसे फॉलो करें और प्लीज़ इन बिस्किट को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप माइक्रोवेव या बिना माइक्रोवेव जिस भी तरीके से बिस्किट बनाएं दोनों ही बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इन बिस्किट को आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं। तो आज की ये सिंपल सी बिस्किट बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो एक बार फिर से मिलते हैं इसी तरीके की एक नई रेसिपी के साथ।